हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णिमा और अमावस्या का रहस्य बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों एक ही माह में आती हैं। महीने में एक बार अमावस्या भी आती है तो महीने में एक बार पूर्णिमा भी आती है। अधिकतर लोग कैलेंडर में देख लेते हैं कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, पर उनको पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व ही नहीं मालूम होता है। तो मैं आज आपको अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें पूरा चांद दिखता है। और अमावस्या के दौरान ऐसा लगता है जैसे इसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम इसे पृथ्वी में भी, जो हमारी पृथ्वी रहते हैं वहाँ से भी हम इसे नहीं देख सकते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में संसंसित होते हैं। तो यह मैंने आपको अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में जानकारी दी है। अब मैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पूर्णिमा जो रहता है, जिसे कि पूरा चांद दिखता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा का दिन होता है जिसमें कि पूजा पाठ होती है, जिसमें पंजीरी बनाई जाती है, दही किशमिश चिरौंजी डाल के भगवान को अर्पण करा जाता है, चंद्रदेव को। यह सब रीति रिवाज पूर्णिमा के दिन होते हैं। और अमावस्या के दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब अमावस्या की रात आती है तो वह काली रात रहती है और भयंकर ही काली रात रहती है। चंद्रमा में भी अंधेरा छाया रहता है, चंद्रमा में भी आपको दिखता बादलों में छुप जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमावस्या की रात को जितने भी भूत प्रेत पिशाच, यह जितने भी प्रकार की यह शक्तियां होती हैं, उस दिन अमावस्या की रात को इनकी शक्तियां, सबकी भूत प्रेत चुड़ैलों की शक्तियां, पिशाचों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जितने भी बड़े से बड़े महात्मा रहते हैं, जो कि किसी के नाम की मूठ मारते हैं या किसी पे काला जादू करते हैं। और आपको मैं बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा काला जादू बंगाल में होता है। बंगाल काला जादू के नाम से फेमस है। आप कहीं से भी किसी से भी पूछ लेना, कोई भी व्यक्ति आपको यही बताएगा कि काला जादू बंगाल का एक गढ़ है। और अब यह भारत के हर वर्ग में गांवों में फैलता जा रहा है दीमक मक्खी की तरह। काला जादू ऐसा होता है जिसमें बुरी शक्तियों का सहारा लिया जाता है, और ऐसी बुरी शक्तियां जो कि भूत प्रेत जीन पिशाच, जो अमावस्या के दिन इनकी शक्ति बढ़ जाती हैं, इसलिए इनका सहारा लिया जाता है। यह बुरे काम में बुरी चीज़ का ही सहारा लिया जाता है। तो अमावस्या के दिन या रात में बहुत लोगों का मानना है कि वह कहीं घूमने फिरने नहीं जाते,
रात में घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। सफ़र में रात के दौरान कहीं रुकना पसंद कर जाएंगे, पर रात में सफ़र के दौरान कहीं चलना पसंद नहीं करेंगे। लोगों की यह धारणा है, और धारणा क्या हकीकत बात भी है यह कि अमावस्या की जो रात रहती है वह सभी को मालूम है कि इनमें भूत प्रेतों की शक्तियां बढ़ जाती हैं, काली पिशाचों की शक्तियां। और जो महात्मा लोग रहते हैं, किसी को मूठ जब मारते हैं तो किसी के नाम की मूठ जब मारते हैं कि वो इतने दिन में मर जाएगा या उसका लकवा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो वह जब मूठ मारते हैं तो वो अमावस्या की रात को ही मूठ मारते हैं, ताकि इनका बुरा काम का, बुरा सहाय का, बुरा इनका सब पूरा हो। क्योंकि जो अमावस्या रहती है वह बुरे काम के लिए ही रहती है, इसलिए सब अमावस्या से बच के रहते हैं। और जितना हो सके आप भी अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात घर से बाहर ना निकलें। यह मैंने आपको अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में